भाई यार आप क्लाउड लेने के लिए देखो मिडल फिंगर वगैरह दिखा रहे हैं एक भाई हमारे कहीं क्लब क्लब में जाकर। हाँ तो गाइस फिर से आज की इस वीडियो में बात करेंगे आसिम रियाज के बारे में एंड एल्विश यादव के बारे में। गाइस आसिम एंड एल्विश के बीच एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होने वाली है। कुछ दिन पहले आसिम रियाज का एक छोटा सा मीटअप था। सबसे पहले तो गाइस अगर आप लोग आसिम रियाज को नहीं जानते तो मैं आप लोगों से बता देता हूँ, आसिम रियाज बिग बॉस 13 के कॉन्टेस्टेंट्स है एंड गाइस एल्विश यादव बिग बॉस 16 के कॉन्टेस्टेंट्स है। तो आसिम रियाज ने एक मीटअप रखा था, तो गाइस उस मीटअप में आसिम रियाज ने बिग बॉस के बारे में बात की। तो गाइस आसिम रियाज ने उस मीटअप में क्या कहा, सबसे पहले आप लोग आसिम रियाज की वो वाली क्लिप देख लीजिए। उनको समझा दो नहीं हो पाएगा, जितने भी रिपोर्ट होने हैं लाइव आके नंबर गिन के। अब गाइस जिसके काफी दिनों के बाद एल्विश यादव ने आसिम रियाज की ये वाली वीडियो देख ली, तो एल्विश यादव ने आज के ब्लॉग में आसिम रियाज के बारे में बात की। आसिम रियाज को एल्विश यादव ने ये कहा, एक चीज मेरे हाथ में आ गई, सॉरी हाथ में तो नहीं आई, अगर हाथ में आ गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। एल्विश यादव ने कहा कि मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन वे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है एंड हमारी नजरों में भी उनकी रिस्पेक्ट थी लेकिन अब नहीं है। एंड एल्विश यादव ने कहा कि अब आसिम रियाज का टाइम चला गया लेकिन अब वे क्लाउड लेने के लिए मिडल फिंगर दिखा रहे हैं। एंड एल्विश यादव ने ये कहा कि वे मिडल फिंगर दिखा रहे हैं, अब हम कॉन्ट्रोवर्सी से बहुत दूर है। एंड एल्विश यादव ने ये कहा कि मैं उसको गाली वाली तो नहीं दूंगा बट पता नहीं वो हमारे बारे में इतना गलत क्यों बोल रहा है। और एल्विश यादव ने ये कहा कि अगर तुम्हें ये सब करना है तो सामने आकर करो, हमारा तुम्हें कि भाई हमारा आकर करके दिखाओ, ये सब सेम चीज है, सामने करो तो मजा भी आए, है ना, हमारे सामने करो तो हम देखें भी ढंग से कि हमारे आगे आकर कर दो, हम देख लेंगे बाकी इन्नू मत करना भाइयों का करा। वैसे गाइस आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप आसिम रियाज के फैन हो या फिर एल्विश यादव के फैन हो। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बाय।